नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल IT सेक्टर ने आपको खुश भी किया लेकिन एट द एंड दुखी भी कर दिया। देखो, एक बहुत बड़ी कहावत है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और वहीं दूसरी तरफ कहते हैं इफ एंड्स वेल ऑल इज वेल। तो कल एक चीज तो समझ में आ गई कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन मैटर नहीं करता, इफ एंड्स वेल देन ऑल इज वेल। कल शुरुआत में IT इंडेक्स ने धमाका करा दोस्तों, लगभग 2.5 से 3% तक IT इंडेक्स भागा। और स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूं तो इंफोसिस ने 1974 का हाई लगाया। HCL टेक तो हालांकि ज्यादा कुछ खास नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन इंफोसिस कल बहुत ही दमदार एक्शन में था। LTI Mindtree 6359 का हाई लगाता है और 6136 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई। इन्फोसिस 1974 का हाई लगाता है, 1906 पे क्लोजिंग आई। तो कल ऐसे बहुत लंबी लिस्ट थी IT स्टॉक्स की जिनमें तूफानी तेजी देखने को मिली, लेकिन एट द एंड बजा नहीं आया। एट द एंड इन्वेस्टर्स दुखी होकर ही घर वापस गए हैं। विप्रो 559 का हाई लगता है कल और 542 की क्लोजिंग आती है, तो एट द एंड मजा नहीं आया। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल गैप अप ओपनिंग इसलिए आई थी क्योंकि अमेरिका में एसेंचर ने दमदार नंबर प्लस गाइडेंस पॉजिटिव दी, जिसके बाद एसेंचर का शेयर खुद 5% भाग गया अमेरिका में। लेकिन भारतीय बाजार उसको देखकर पॉजिटिव ओपन तो हो गए पर टिक नहीं पाए दोस्तों, टूट गए। एंड कल अमेरिका में ही, ये तो पुरानी चीजें होगी जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, अब आगे नया। कल अमेरिका में एसेंचर का खुद का शेयर 0.25% घटकर बंद हुआ है, नेस्डेक इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ है, और इन्फोसिस का ADR दोस्तों 2% नेगेटिव दिख रहा है, एंड विप्रो का 2.5% के करीब नेगेटिव दिख रहा है। तो क्या समझे इससे हम कि एसेंचर के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे जरूर हैं लेकिन मार्केट उसको पॉजिटिवली ले नहीं रहा है, या फिर मार्केट ये लास्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कि भाई साहब अभी लेना है तो ले लो, अब नहीं मिलने वाला मैं बाद में, इसको समझना होगा हमें। देखो, सबसे पहले तो समझने के लिए वेट कर सकते हैं कि भैया 10 अक्टूबर को TCS के नंबर आ जाएंगे, एक दो दिन आगे पीछे इन्फोसिस के भी आ जाएंगे, और इन दोनों के नंबर आते ही हमें पूरा IT सेक्टर समझ में आ जाएगा, तेजी या मंदी, ठीक है जी। दूसरा यह कि गिरावट में हम लेने के बारे में सोचें केवल, क्योंकि इस क्वार्टर में पॉजिटिविटी लौटे ना लौटे Q3 से तो लौटनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भैया रेट कट हो गया है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एसेंचर गाइडेंस भी ठीक दे रहा है, जून से सैलरी हाइक कर रहा है एम्प्लॉयज की, IT के लेकर कंटिन्यू कोलैबोरेशन होते जा रहे हैं, ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, डील पाइपलाइन अच्छी हो रही है, तो ये चीजें दर्शा तो यही है कि पॉजिटिव आउटलुक तो है, बेशक इस क्वार्टर में होगा या अगले क्वार्टर में वो देखने वाली बात है, और वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, तो ऐसा कोई बड़ी समस्या दिख नहीं रही है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अगर TCS की बात करूं तो 33 के PE पे है, लॉन्ग टर्म में भी देखो ये 33-35 के PE पे ट्रेड करता है, अगर रिजल्ट्स खराब आए तो थोड़ा टूट जाएगा, और टूटेगा तो फिर वो मौका बन जाएगा लेने का क्योंकि वैल्यूएशन टर्म में रीजनेबल हो जाएगा, और रिजल्ट्स अच्छे आए तो अर्निंग्स बढ़ेंगी तो वैल्यूएशन सस्ते होंगे तो वो वापस से चलेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है अर्निंग्स पे, क्योंकि इस समय पूरा IT सेक्टर जो बैठा हुआ है ना वो रीजनेबल नोट पे बैठा हुआ है दोस्तों, ना आप ये कह सकते हो ये सस्ता है, ना आप महंगा कह सकते हो, कहने के लिए आप महंगा कह सकते हो लेकिन सस्ता तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखो इन्फोसिस आपका 29.58 के PE पे ट्रेड कर रहा है, नॉर्मली इन्फोसिस 28-26 के PE पे ट्रेड करता है, TCS 30 पे करता है, HCL टेक थोड़ा नीचे ट्रेड करता है, तो आप अगर नोटिस करो तो थोड़ा थोड़ा रीजनेबल या फिर थोड़ा थोड़ा महंगा है। अब HCL टेक इन्फोसिस से ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, उसके पीछे दोस्तों रीजन ये कि HCL टेक ने बीते 2 साल जब पूरा IT प्रॉब्लम में था इसने एक बार भी आपको मंदी नहीं दिखाई रिजल्ट्स के दम पर, हर बार इसने रिजल्ट्स में आउट परफॉर्म करा है। तो अब जब टर्न अराउंड होगा, जब बाकी IT कंपनियों के लिए अच्छा समय आएगा, तो इसके लिए बहुत अच्छा आएगा या ये अब सुस्त रहेगा, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। TCS जो 20-22 के PE पे ट्रेड करता था आज 30 के PE पे ट्रेड कर रहा है। TCS जिसका मार्केट कैप विप्रो के सामने छोटा था, लगभग विप्रो 3-3.5 लाख पे ट्रेड करता था, और HCL टेक आपका करीब करीब, मैंने TCS बोला शायद उसके इससे पहले तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, HCL टेक की बात कर रहा हूं मैं, विप्रो के सामने HCL टेक का मार्केट कैप 2,80,000 करोड़ के करीब था, आज HCL टेक का मार्केट कैप 5,00,000 करोड़ हो रहा है, तो ये मामूली बात नहीं है, पूरा टर्न। HCL टेक जिसे एक अंडर डॉग कहते थे, एक अंडर परफॉर्मर कहते थे पूरे IT में, उसने सबसे दमदार प्रदर्शन दिखाया है और ये दिखाएगी।
देखो देश में वो चीज हमेशा चलेगी जो अपने से ज्यादा देश के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो शिव नडार जी की एचसीएल टेक हो या वो पूरा टाटा ग्रुप हो, क्योंकि इनका बड़ा पैसा देश की ग्रोथ में जा रहा है दोस्तों, बड़े लेवल पे बड़ा पैसा। अगर आप सबसे ज्यादा डोनेट कौन कर रहा है पैसा, डोनर्स कौन है भारत में टॉप मोस्ट, उनमें इनका नाम आता है दोस्तों, शिव नडार जी का। टाटा ग्रुप के बारे में तो खैर सबको ही पता है। तो ये देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। आप कभी भी नोटिस करना, लंबा वही टिकेगा वही खेलेगा जो दूसरों का सोच पाएगा। केवल अपना सोचकर तो कंपनी खत्म हो जाती है। बहुत सी कंपनियां ऐसा है खुद खाना चाहेंगी, सिर्फ कुछ नहीं कर पाती, थोड़ा बहुत खाती रहती हैं। अब ऐसी मार्केट में कितनी कंपनियां हैं जिनका शेयर आप कितनी भी कोशिश कर लो लेने की, ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो शेयर आपके लिए बिकेगा ही नहीं। सबका सब खुद खुद खा के बैठे हुए हैं, खुद लेके बैठे हुए हैं। अब अपनी जेब भरने के लिए क्या करते हैं, मोटा डिविडेंड दे देते हैं। अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो शेयर बढ़ेगा, और शेयर बेचेंगे तो लोगों के पास पहुंच जाएगा शेयर। ऐसा नहीं करते वो लोग। तो अपना अपना सोचकर मजा नहीं है ना इस देश में। अपना अपना सोचोगे तो फिर आप बड़ा नहीं कर पाओगे। बड़ा तभी होगा जब आप दूसरों का करोगे। और इतिहास भी गवाह रहा है कि भाई साहब जिसने भी करा है वो आगे बढ़ता रहा है, वहां पे आपके लिए सस्टेनेबल ग्रोथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। अब क्या करें क्या ना करें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखो एडीआर नेगेटिव दिख रहा है, नेस्डेक इंडेक्स नेगेटिव बंद हुआ है, और एसेंचर खुद भी गिर गया है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एसेंचर के रिजल्ट और गाइडेंस के चलते हमें पूरे आईटी पे सुपर बुलिश हो जाना चाहिए, रिजल्ट से पहले उठाना चाहिए। मैं ये कहूंगा रिजल्ट देखने के बाद हमें एक्शन लेना चाहिए। जिसके पास ऑलरेडी है अगर बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है तो 20% बुक कीजिए, केवल 20%। अगर न्यूट्रल हो आसपास ही लिया है तो बैठे रहो, कोई बात नहीं, फिर तो क्या है, अभी तो लिया है बैठे रहो, कम से कम 1-1.5 साल तो रुको। और कोई फ्रेश लेने जा रहा है तो दो ऑप्शन है, या तो रिजल्ट्स के बाद एंट्री करना, या फिर जो भी एक्स अमाउंट आप लगाना चाहते हो उसका 30-40% करंट लेवल पे लगाना और रिजल्ट के बाद बचा हुआ लगाना, ये आप कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी पूरे आईटी पे। होप आपको सही चीजें समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।